गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे हो। तो मैं आज का ब्लॉग सुबह मॉर्निंग 6 बजे से स्टार्ट की हूँ। तो आज का ब्लॉग, अभी का ब्लॉग मेरा ज़्यादा लॉन्ग भी नहीं है, तो मैं नेक्स्ट ब्लॉग जल्द ही डालूँगी। तो यहाँ पे देखो, अभी मॉर्निंग के बजे हैं 6 और यहाँ पे झाड़ू लग रही है, साफ़ सफाई हो रही है, तो अंदर हो गई है, बस लास्ट ही बचा है। और देखो धूप भी निकल गई है, तो आज भी मतलब दुपट्टा बांधा गया है फूल लेने के लिए, क्योंकि ऐसे तो सारे नीचे गिर जाते हैं और पेड़ पे बहुत कम बचते हैं, तो फिर वेस्ट ही हो जाता है। तो दुपट्टा आज भी बांधा गया है, तो आज भी फूल अच्छे मतलब टूटे हैं, झड़े हैं पेड़ से। तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि कितने सारे फूल यहाँ पे देखो मिल गए हैं। तो मम्मी ने सुबह सुबह उठ के फूल ही लिया, मतलब वो फूल ही लेने जाती है। तो फिर यहाँ पे देखो, मैंने गर्म पानी चढ़ाया है बाबू के लिए, तो अभी मैंने चाय नहीं बनाया है क्योंकि मम्मी अभी झाड़ू ही लगा रही है, तो फिर वो आएगी, फिर ब्रश करेगी, तो फिर हम लोग चाय पियेंगे। तो अभी रास्ते भी सोया हुआ है, तो चलो अब मम्मी आ ही रही है, तो अब मैं भी थोड़ी देर में चाय बनाने जा ही रही हूँ। तो मैं जब चाय बनाने जाऊँगी तो मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी मॉर्निंग की चाय। तो यहाँ पे अभी राजदीप सोया हुआ है, वो अभी उठा नहीं है, तो मैंने उसे रहने दिया, सोने दिया, नहीं तो मैं उससे मालिश कर देती, फ्रेश कर देती। तो मैं, लेकिन वो अभी सोया हुआ है, तो मैंने सोचा चल छोड़ देते हैं, तब अब खुद ही जगेगा, तो फिर मैं उसकी मालिश करूँगी। तो मतलब मैं क्या, कोई भी मालिश कर देगी, मम्मी भी कर देती, दीदी भी कर देती है। तो अभी दीदी सो रही थी, तो मम्मी झाड़ू लगा रही थी, तो मैंने सोचा वो अभी जगेगा तो मैं मालिश कर दूँगी, लेकिन वो अभी सो रहा है। तो चलो मैं तब तक चाय बना लेती हूँ। तो मैं यहाँ पर आ गई हूँ चाय बनाने। तो यहाँ पर देखो मैं अब चाय चढ़ा रही हूँ, और अभी मम्मी आ गई है, और आज के मॉर्निंग में बनेगी नाश्ते में, ब्रेकफास्ट में घुघनी और रोटी। तो यहाँ पे देखो मम्मी ने चना भी रात में भिगो दिया था, तो वो मतलब एकदम रेडी हो गया है घुघनी बनने के लिए। तो ये फूल गया है, तो ये मैं नहीं बनाऊँगी, दीदी ही बनाएगी, क्योंकि वो मेरे से अच्छा बनाती है। तो ये दीदी बनाएगी और मैं चाय बना रही हूँ अभी। तो चलो पहले मैं चाय बना लेती हूँ, तो आप लोग मेरे ब्लॉग में बने रहिए। तो ऑकरी का टेंशन मुझे नहीं है, ये तो दीदी बनाएगी, तो मैं बस चाय बना लेती हूँ, उसके बाद फिर नाश्ता दीदी बनाएगी। तो फिर हम लोग पहले चाय पी के नहा लेंगे, उसके बाद फिर नाश्ता बनेगा। तो यहाँ पे देखो पहले मैं चाय बना लेती हूँ, फिर हम लोग चाय पीने के बाद ही सोचेंगे क्या करना है। तो सबसे पहले एक बात तो मैं आप लोगों को भूल ही गई कहना कि आज है छोटी दिवाली। तो आप सबको मेरी तरफ से, मेरे फैमिली के तरफ से, ऑल यूट्यूब फ्रेंड्स को हैप्पी छोटी दिवाली। तो आप लोग छोटी दिवाली कैसे मनाते हैं तो कमेंट में बताइएगा। तो छोटी दिवाली में तो ज़्यादा कुछ होता नहीं है, बस शाम में कहते हैं कि मतलब गाय के गोबर का दीपक जलाया जाता है, जो हम लोगों के घर में भी होता है, और ऐसा हर जगह होता ही होगा। तो यहाँ पे देखो बस, और दिया तो मतलब दीपक तो शाम में निकाला जाता है घर के बाहर, है ना। तो मैं शाम का भी ब्लॉग हो सकता है कि मैं डालूं, या फिर मैं आज का मतलब शाम से ब्लॉग स्टार्ट करूं तो कल मॉर्निंग या डे में मैं डालूंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरी चाय बन ही गई है, तो चलो पहले हम लोग चाय पी लेते हैं। तो यहाँ पे देखो अब मेरी चाय रेडी होने वाली है। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग मैं अभी का ब्लॉग में ज़्यादा लॉन्ग नहीं डाल रही हूँ, तो प्लीज़ आप लोग मेरे ब्लॉग को फुल वॉच कीजिएगा, कहीं पे भी स्किप नहीं कीजिएगा। तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तो आज का ब्लॉग मैं यही एंड करती हूँ। तो आई होप आप लोगों को आज का ब्लॉग अच्छा लगे, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, एंड जो पहली बार आए हो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो प्लीज़ आप लोग अपना सपोर्ट, आप लोग अपना प्यार मेरे चैनल पे बनाए रखिए, मैं बार बार कहती हूँ। तो प्लीज़ आप लोग इसी तरह अपना प्यार मेरे चैनल पे बनाए रखिए। तो हम जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तो यहाँ पे मेरी चाय बन गई है, तो चलो अब हम लोग चाय पी लेते हैं। तो अभी के लिए बाय बाय, मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट ब्लॉग में। तो ठीक है फ्रेंड्स, मैं आज का ब्लॉग यहीं एंड करती हूँ, बाय बाय।